أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمد يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بنی اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے میں آپ یہ پانچویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور مجھے اس امر کا احساس ہے کہ ہم اپنی تنگ دامنی کی وجہ سے اور کم مائگی کی وجہ سے وہ الفاظ نہیں پا رہے ہیں کہ جن الفاظ سے مقصد الہی کا احاطہ کیا جا سکے اور اس طرح آیت کا حق ادا ہو جائے. پانچ دن ہو جانے کے بعد بھی ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی بعبدہی ہی کی منزل پر ہیں، مگر یہ کوشش ہے کہ آج ہم اختصار سے کام لیں، اس لیے کہ اس سورے میں اور غرر آیات ہیں جو آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا چاہتی ہیں. اس لیے اگر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے تو اس تسلسل سے آپ ان آیتوں کو سمجھنے میں سہولت محسوس کریں گے اور بہت سے مسائل خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمیشہ قرآن مجید کے لیے اس امر کا خیال رہے کہ
एक आयत भी सही तौर पर कमा हक्कहू अगर अपने मफाहीमों मानियों मारिफ के साथ जहन में आ जाए एक आयत भी, तो उसके माना ये हो जाते हैं कि आप बहुत सी आयतों को समझने के काबिल हो जाएंगे, इसलिए कि कुरान एक फिक्रे मुसलसल है। एक फिक्रे मुसलसल है। बज़ाहिर सूरे से सूरा अलग है, बज़ाहिर आयत से आयत अलग है, मगर कहने वाले का मकसद एक है, लाने वाले का मकसद एक है, और किताब अपने मकसद के एतबार से इस कदर हम आहंग है कि वो नूह का किस्सा हो, मूसा की बातें हो, ज़करिया की गुफ्तगू हो, ईसा के वाकयात हो, यानी नतीजतन मंजिल एक है, नतीजतन मंजिल एक है। इसलिए हम इसी कुरान मजीद के इस सूरे में एक आयत और आएगी, जिस आयत पर पहुंचकर हम आपकी तवज्जो को मबजूल करवाएंगे कि कुरान मजीद ने क्यों ये दावा कर दिया, क्यों ये इसी सूरे में है वो आयत कि क्यों ये दावा कर दिया कि अगर इंसो जिन जमा हो जाएं कि इस तरह से किसी कुरान को पेश कर सके तो वो पेश नहीं कर सकेंगे। ये इसी सूरे में यह आयत मौजूद है, और जब उस आयत पर हम पहुंचेंगे तो वो गुफ्तगू होगी जो कुरान से मुताल्लिक है। कल जाहिर है आपको याद होगा गुफ्तगू मेरी गुज़िश्ता तकरीरों में से एक अहम मंजिल पर पहुंच चुकी थी, और वो आगाज फिक्र जो आपके जहन में है वो है कि अब्द से अब्द तक, बंदे से बंदे तक कितना फर्क है, कितने मदारिज हैं, और फिर जिसकी अब्दियत के लिए मेराज है वो मरकज इबाद है, वो मरकज कायनात है, वो मरकज मौजूदात है, वो दायरे तकवीन में भी मरकज है, दायरे तशरी में भी मरकज है, और इस तरह से जब उस मरकज से किताब होगा तो पूरे आलम तशरी से किताब है, पूरे आलम तकवीन से किताब है। यानी एक एक से गुफ्तगू नहीं की जाती है, मरकज से गुफ्तगू की जाती है, किताब दायरा है, गुफ्तगू मरकज से की जाती है, किताब दायरा है। अगर ये छोटा सा जुमला आपके जहन में रह जाए तो वो बहुत सी आयतें आपके समझ में आएंगी, जहां क्यों कर कहूं कुरान मजीद ने बास कोताहियों का तस्करा किया है पैगंबर की निस्बत से, पैगंबर की इजाफत से, तो उस वक्त आप समझ लेंगे कि गुफ्तगू मरकज से नहीं है बल्कि दायरा मुखातब है। तो ये एक याद रखने की बात है। इसी तरह से वो मरकज जब उस मंजिल पर पहुंचता है कि जहां सही माना में आपको मरकजियत नजर आए, दना पतदल्ला, नजदीक हुआ और डोल की तरह से हो गए, तो काना काबा औसैन औ अदना, या यूं कहो कि दो कमान मिल गए बल्कि उससे भी करीब तक। यानी यहीं मुफस्सरीन ने एक मर्तबा खामोशी इख्तियार की, और भी करीब तक, दो कमान मिल गए और भी करीब तर, और अदना को कोई भी न समझा सका।
कोई भी न समझा सका कि ये मकाम औ अदना क्या है। बहरहाल उस मंजिल पर हम कल गुफ्तगू ये कर रहे थे कि मलक रुका बशर बढ़ा, मलक रुका बशर बढ़ा, और मलक ये कह के रुका कि अगर जरा सा भी आगे बढ़ता हूं तो तजल्लियां मुझे जला दें। फुरोगे तजल्ली बेसूजत परम, तजल्ली जला देगी, आगे बढ़ने का इम्कान नहीं है। तो ऐसे मौके पे ऐसा साथी रुका, ऐसा साथी रुका और बिला खतर नबी बढ़ा, यानी उसको ये आने वाहिद के लिए ख्याल नहीं था कि अब मैं हूं और मेरी तन्हाई नहीं, ये आगे बढ़े और उस मंजिल पर आए कि जहां आवाज आई कि अब हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। औहा इला अब्दे ही मां औहा, हमने वही की अपने बंदे की तरफ जो कुछ हमने वही की। औहा इला अब्दे ही मां औहा, दोनों सेगे माजी के, हमने वही की जो कुछ के वही की, यानी उसमें जिब्राइल वास्ता नहीं थे। कल ये गुफ्तगू हो चुकी है कि जहां जिब्राइल वास्ता है वो कुरान है, जहां जिब्राइल वास्ता है वो कुरान है। अब इसके बाद ये क्या है, औहा इला अब्दे ही मा औहा, ये क्या चीज है, इसके मुताल्लिक मैंने अर्ज कर दिया। जहां कुरान की सराहत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, और उसके बाद वो औहा इला अब्दे ही मा औहा अल्लमहुल बयान, यह बयान की मंजिल थी। और बयान की मंजिल के लिए जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, मुझे अफसोस है कि कोई और मुतबादिल लफ्ज मुझे नहीं मिल सका और अब भी मुझे तलाश है, यानी बड़ी दूर रस, बड़ी दूर रस फिक्र के साथ, कयामत तक मुहित नजर के साथ, वो लायह अमल तय किया गया कि जो बज़ाहिर हुदूद कुरान से बाहर, जो बज़ाहिर हुदूद कुरान से बाहर, जब तक के रासिकून फिल इल्म तावील की मंजिल पर ना जाए, उस दायरे से बज़ाहिर बाहर, तो उस लाए अमल को सामने रख के उस तन्हाई में यह तय करना था कि बताओ, बताओ क्या इरादा है, बताओ क्या इरादा है, और हम बतलाते हैं कि हमारी मसलहतें क्या हैं। और ये कह के कल की गुफ्तगू एक मरतबा आवाज आई उस मंजिल पर, यानी सारे मुफस्सरीन हैरान हैं सिर्फ इस एक जुमले पर, यानी वो क्या वही हुई नहीं मालूम, मगर कहा इतना, कहा इतना, हल तालम या मोहम्मद, अरे मोहम्मद तुम जानते हो, फी मख्तसमुल मलाउल आला, मलाए आला में झगड़ा क्या था, ही माओहा की मंजिल पर ये पूछा, तुमको इल्म है कि मलाए आला में झगड़ा क्या था, तो बेख्तियार कहो कि परवरदिगार तू आलम है, तू आलम है। और एक मरतबा जाते वाजिब ने जवाब दिया
मैंने कल की तकरीर में मबादियात बहस की थी, उसको जरा सा मैं फिर मुकर्रर आपके कानों तक पहुंचा दूं, इसलिए कि जवाब मैंने कल नहीं सुनाया था, जवाब आज सुनाऊंगा कि खुद जाते वाजिब ने क्या जवाब दिया है कि झगड़ा किस बात पर था। मलाए आला में झगड़ा किस बात पर था ये पूछा गया मेराज की रात, बुला के पूछा, मेहमान बुला के पूछा, नजदीक बुला के पूछा, पर्दे की बातें मुझे नहीं आती। मोतबर तफसीरों में यह लफ्ज नजर से नहीं गुजरा, मोतबर तफसीरों में यह लफ्ज नजर से गुजरा ही नहीं कि पर्दा था। इसलिए कि जहां किसी ने यह पर्दे का तसव्वुर कायम किया, वहां हर एक को अपना अपना महबूब याद आया। इसलिए हमारे पास मोतबर तफासीर में जो तकरीबन जिनकी अब तदाद 40 से ज्यादा है, जैसा कि अर्ज कर चुका हूं, पर्दे का तसव्वुर नहीं, पर्दे का तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता रक्सो सुरूदो वंदो नगमा के लिए यह लफ्ज मुनासिब है, यह इस्तेलाह मुनासिब है कि पर्दे के पीछे से गुफ्तगू हो रही थी, आवाज आ रही थी। बहरहाल जाते वाजिब हर जगह है, और जहां ये तकर्रुब कमाल हो, जहां यह नजदीकी कमाल हो के ले गया असरा, ले गया तो जाते वक्त भी नजदीक था, जाते वक्त भी नजदीक था, हर मंजिल पे करीब था। नहनु अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारे रगे गुलू से ज्यादा करीब हैं। तो तुम जब अपने लिए पर्दे के कायल नहीं हो, तो नबी के लिए पर्दे के कायल हो। बहरहाल वहां यह पूछा गया कि मलए आला में झगड़ा क्या था, तो अब उसके इफ़हाम और तफ़हीम के लिए मैंने कल अर्ज किया कि सूरह साद की आखिरी 22 आयतों को समझ के पढ़िए, आखिरी 22 आयतें और बहुत अहम आयतें हैं। सूरह साद कुरान मजीद का 38वां सूरा है, सूरह यासीन 36वां सूरा है, सूरह साफात 37वां सूरा है, सूरह साद 38वां सूरा है, 39वां सूरा सूरह जुमर और 40वां सूरा सूरह मोमिन है, यह सिलसिला है। और इसमें सूरह साद की जब इन आयतों पर आप पहुंचेंगे कि कुल इन्नमा अना मुनज़िरुन, कहो कि मैं हूं डराने वाला हूं, वो मोमिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार, कोई अल्लाह नहीं है सिवाय वाहिद कहार, रब السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار, जमीन व आसमान का रब है, तरबियत करने वाला है, और इन जमीन व आसमान के दरमियान भी वही गालिब है, वही गफ्फार है, वही पर्दा पोश है, वही पर्दा ढांकने वाला है, वही गुनाहों को छिपाने वाला है, वही गुनाहों को बख्शने वाला है। आपने कहा सिलसिले की दो ही आए, और उसके बाद वो कुल इन्नमा अना मुनज़िरुन, कहो मैं डराने वाला हूं, वो कुल, वो कुल, कुल हुआ नबाउ नज़ीम, ये भी कहो कि ये एक बड़ी खबर है, नबाउ अज़ीम ये बड़ी खबर है, वो अंतुम अनहु मुरिज़ून, तुम उसी से भाग रहे हो, मुअरिज़ून तुम उसी से एराज कर रहे हो, एराज करना अरबी में पहलू तही करना, अपने आप को बचा लेना। कुल हुआ नबाउन अजीम अंतुम अनहु मुअरिज़ून, कह दो कि ये नबाए अजीम है। अब आपको नबाए अजीम के सिलसिले में वो 30वां पारा तो याद आया ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसालून अनि नबाइल अजीम, करीब है कि पूछा जाएगा कि नबाए अजीम क्या है। तुम कहो कि ये नबाए अजीम है,
और हम पूछने वाले हैं सबसे, पूछने वाले सबसे, अल्लज़ी हुम फीह मुख्तलिफून, उसमें में इख्तलाफ है, इख्तलाफ नबए अजीम में है, नबए अजीम में इख्तलाफ है। हम महशर में पूछेंगे और इख्तलाफ का आगाज अजल में हुआ है। तकवीन के मौके पर आगाज तकवीन में इख्तलाफ हुआ है। हम बाद में पूछेंगे कि यह इख्तलाफ क्यों था। अम्मा यतसाअलून अनिल नबाए लज़ीम, इस मौके पर जाहिर है कि हर एक का एक मजाक होता है तफसीर का। मशहूर स्पेन का फलसफी मुहियुद्दीन अरबी इस सूरे की तफसीर करते हैं, अम्मा यतसाअलून अनिल नबाए लज़ीम, और उसके बाद कहा उन्होंने कि अन नबाउल अजीम, वो बड़ी खबर, वो महशर है, वह हुआ सा वह कयामत, वह यकूलून, और ये भी कहते हैं हुआ अली इब्न अबी तालिब। यह मुहियुद्दीन अरबी, और तफसीर का नाम है तफसीर शेख अकबर। इसकी दो जिल्दें हैं, यह मैं दूसरी जिल्द छपा रहा हूं कि, और यह भी कहा जाता है कि वह अली इब्न अबी तालिब है। मुहियुद्दीन अरबी जाहिर है खास मजाक है इनका, स्पेन का फलसफी है और इकबाल के लिए रूहानी मुकल्लद है। तो ये दो जुमले उनके हैं, और उसके बाद अपनी तरफ से ये कहते हैं मुहियुद्दीन अरबी, अपनी तरफ से ये कहते हैं मुमकिन है कि ये तौजीह भी दुरुस्त हो, मुमकिन है कि ये तौजीह भी दुरुस्त हो। वह यकूलून, और ये कहते हैं, ये कहते हैं किसी का नाम लेकर कि वो नबाए अजीम है, ये तौजीह भी मुमकिन है कि सही हो, इसलिए कि कयामत नाम है अली का। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुहियुद्दीन अरबी की जिम्मेदारी। और तफसीर शेख अकबर दूसरी जिल्द, यह तीसवें पारे का आगाज, और पहली ही सदर, पहली ही सदर, जिस किसी को जरूरत हो वो उसको देख सकता है, और अगर जानना चाहे तो वो उसको पढ़ सकता है। बहरहाल एक उनका मजाक है, एक उनका मजाक है। तो अब उस नबाए अजीम के मुताल्लिक कहा गया कि तुम कहो हुआ नबाउन अजीम, वो बहुत बड़ी खबर है, और अंतुम अनहु मोरेजून, और तुम उससे भाग रहे हो। अगर महशर हो तो मोरेजून, और अगर यह इशारा किसी और तरफ है तो मोरेजून, तुम भाग रहे हो, एराज कर रहे हो, रूगरदानी कर रहे हो, पहलूतही कर रहे हो। बहरहाल कुल हुआ नबाउ नजीम अंतुम अनहु मोरिजून, उसके बाद इन यू हाओ इलैया, अब सिलसिला इन यू हाओ इलैया इल्ला अन्नमा अना नजीर मुबीन, और मेरी तरफ तो सब जो कुछ है वही है। अगर मैं उस झगड़े के मुताल्लिक, उस मुखालिफत के मुताल्लिक अब गुफ्तगू करूं तो ये वही है, यानी अपने इल्म का हवाला नहीं दिया। यू हाओ इलैया अन्नमा अना नजीर मुबीन, और झगड़ा यूं शुरू हुआ, इस काला रब का लिल मलाइकती इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन फैजा सव्वैतुहु व नफक्तु फीहि मिन रूही फकऊ लहु साजदीन फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। झगड़ा वहां से शुरू हुआ जब तेरे रब ने कहा कि मैं एक मिट्टी से बशर को पैदा कर रहा हूं, जब उसको मैं एतदाल के आलम
عالم پہ لالوں اور جب اس میں بعض روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرنا. سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پوچھا اللہ نے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کس چیز نے روکا تجھ کو جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے غرور کیا؟ کیا تو عالین کی قوم سے ہے, بلندی والوں کی قوم سے ہے؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. میں اس سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا. قولا فخرج منہا انک رجیم. کا جاؤ یہاں سے, جاؤ نکل جاؤ, تم راندے بارگاہ الہی ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتی إِلَّا يَوْمِ الدین. اور تم میری لعنت مبتلا رہو گے یوم دین تک. ابھی یوم دین کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا. یہ ایک اشارہ ہے, ذہن میں رہے. یوم الدین تک تو رحمت سے دوری ہے. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. تو اس نے رک کے کہا فانظرنی ربی انظرنی الی یوم یبعثون. میرے پروردگار مجھے مہلت دے قیامت تک. لعنت ہو چکی ہے قیامت تک, مہلت بھی مانگ رہا ہے, مہلت بھی مانگ رہا ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مہلت لعنت کی ضد نہیں ہے. بڑی اہم بات ہے, دیکھیے. یعنی اگر کسی کو مہلت سے مہلت دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ لعنت سے دور ہے. عجیب بات ہے, یعنی کوئی بچا نہیں سکتا ہے کسی کو, کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے یہ کہہ کے کہ اس نے تو مہلت دی ہے. نہیں, مہلت دی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ لعنت کو اپنی ہٹایا نہیں ہے اس نے. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اور وہ بھی مانگ رہا ہے الی یوم یبعثون, قیامت تک مہلت. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ ہے. رحمت سے دور ہے, مہلت ملی ہے. رحمت سے دور ہے, مہلت ملی ہے. فانظرنی الی یوم یبعثون. قال انک من المنظرین الی یوم وقت معلوم. آواز آئی کہ ہاں, تجھے مہلت دے دی ہے ایک وقت معلوم تک, ایک یوم معلوم تک مہلت دے دیا. جا جا. اور ایسے موقع پہ وہ جاتے جاتے یہ کہتا ہے, جاتے جاتے یہ کہتا ہے, بے عزت کا, تیری عزت کی قسم, تیری عزت کی قسم. نگاہ شیطان میں, نگاہ شیطان میں عزت الہی سے بڑھ کر کوئی اور منزل نہیں ہے. نگاہ شیطان, اس لیے جو سب سے بڑی چیز تھی اس کی قسم کھائی. بے عزت کا لاغوینہم مجمعین, تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہیں سکوں گا. مخلص, مخلص اور مخلص. مخلص اخلاص کرنے والا, مخلص خالص شدہ. مخلص مخلص, اخلاص برتنے والا مخلص, مخلص خالص شدہ. الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں بہکا سکتا. اس دن, اس دن یہ قصہ ہوا کہ آدم بنے اور سجدے کا حکم ہوا. کل بھی یہ گفتگو تھی, آج اس تکرار کے لیے تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں, اس لیے کہ بعض اہم ترین مسائل آج کی تقریر میں آ رہے ہیں, جو پانچویں تقریر ہے جہاں اس آیت کو ختم ہونا ہے. ارشاد ہوا کہ ہم اب آدم کو خلق کر رہے ہیں. انی خالق بشرا من طین,
दूसरी मंजिल पर वजाहत कर दी, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं। तो सजदा करने से पहले इबलीस का इतराज, सजदा करके मलाइका का इतराज, आप देख रहे हैं झगड़ा कि ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। उसने सजदा करने से पहले इतराज कि मैं इससे बेहतर हूं। मलाइका ने सजदा करके इतराज किया कि ये तो जमीन में खूनरेजी करेगा, ये जमीन में फसाद बर्पा करेगा। अगर मकसद खिलकत फकत इबादत है, तस्बीह है, तो हम तेरी तस्बीह करने को तैयार हैं। नहनो नु सब हो गए हम देखा मुकद्दस लक काला इन्नी आलमो माला तालम, कहा कि हमको इल्म है तुम नहीं जानते। और इस तरह से वो पैकर खाकी महल नजा में आया, मकाम तकासुम में आया, देखे अलिफ स्वातमी, मकाम तकासुम में आया कि जिस पर अब बहस होने लगी, जिस पर अब बहस होने लगी कि अब चलो इसको देखते हुए, अब चलो इसकी तारीख को जमा करते हुए कि हम सच्चे या इसका पैदा करने वाला हो कि जिसने ये दावा किया था कि हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। और उसके बाद ये सूरह स्वाद की आखिरी आयतें हैं कि जब इस मंजिल पर वो ये कह के चला कि सबको बहकाऊंगा मगर तेरे मुखलस बंदों को नहीं बहका सकूंगा, तो फिर ए हबीब मालूम है तुमको अब हम क्या चाहते हैं, बोल, अब तुम फिर कहो कि देखो बहकाने वाला बहका रहा है। قل ما اسالكم عليه من اجر, اب یہ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا, وما انا من المتكلفين, میں نمائش کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, تم اس صلے کو نمائش نہیں سمجھنا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو عالمین کے لیے ذکر ہے, ولتعلمن نبعه بعد حين, تم کو یہ خبر بعد میں چلے گی, اس کا پتہ بعد میں چلے گا کہ اجر مانگا کیوں تھا۔ قل ما اسالکم علیہ من اجر, قرآن مجید میں کئی مقامات پہ یہ تذکرہ ہے, कई मकामात पे तस्करा है अजर का, कई मकामात, और अजर अजर के साथ जहां जहां लफ्ज ये अजर का आया है वहां ऐसा मालूम होता है कि कुर्बत मुराद है, नजदीकी मुराद है, अजर कुर्बत। एक जिक्र मुख्तसर था इसलिए कि पूरी सूरह स्वाद की इन आयतों की तिलावत इसलिए मकसूद थी कि आपको एक और रुख से आगाह किया जाए, एक और मंजिल पर पहुंचाया जाए कि जहां सूरह शोरा की अब चंद आयतों को आपके सामने तिलावत करना पड़ेगा। सूरह शोरा, फलम्मा जा सहरतु, जब जादूगर सब एक जगह जमा हुए, जादूगर जब सब एक जमा हुए, क्यों जमा हुए, इसलिए कि मूसा को शिकस्त दें, इसलिए कि फिरौन ने जमा किया था, इसलिए कि फिरौन ने अपने शहर में और अपनी मम्लिकत में ऐलान किया था कि जितने जादूगर हैं जमा हो और मूसा को शिकस्त दें। तो अब जादूगर जब सब आ गए हर तरफ से, फलम्मा जा सहरतु कालू ले फिरौन, सबों ने फिरौन से कहा आइन्ना लना लाजरन, देखिए कहां से मैंने आयत का इंतखाब किया, आइन लना लाजरन, हमारे लिए भी कोई हाजिर है, इन कुन्ना गालिबीन, अगर हम गलबा पा जाए तो हमारे लिए हाजिर है। कौना नाम इन्नकुम इज़न लमिनल मुकर्रबीन, अगर तुम गालिब हो गए तो तकर्रुब तुम्हारा, आजर तकर्रुब, आजर नजदीकी, अगर तुम गालिब हो गए
तो तुम्हारा सिला यही कि तुम मुकर्रबान बारगाह से होगे, मेरे नजदीक रहोगे। इसलिए हर नबी ने यही कहा है, इन अजरी अल्लाह अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह पर है, मेरा अजर अल्लाह पर है, यानी मुझे मकाम तकर्रुम मिला। सिवा एक नबी के जिसने अजर को तय करके ये कहा कि अल्लाह तो है ही, मगर मा साल तो कुम मिन अजरिन फहुआ लकुम, जो अजर मांग रहा हूँ वो तुम्हारे फायदे के लिए है। एक ही नबी है जिसने अजर का तायुन किया, मा साल तो कुम मिन अजरिन फहुआ लकुम, जो अजर मांगा है वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए है। यानी तमाम मुफस्सरीन ने माँ को माए मौसूला बताया है, या माए नाफिया की गुंजाइश नहीं है। माँ साल तो कुम मिन अजरिन फहुआ लकुम, जो अजर तुमसे मैंने मांगा है वो तुम्हारे लिए, फहुआ लकुम, वो तुम्हारे फायदे के लिए। मेरा अजर तो अल्लाह पर है, तुमसे जो मांगा है वो तुम्हारे फायदे के लिए। तो रसूल तुम अजर मांगो, तुम अजर मांगो, कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन वमा अना मिन अल-मुतकल्लफीन, मैं नुमाइश करने वालों में से नहीं हूं, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल-आलमीन, जिस अजर को मांगा है वो आलमीन के लिए जिक्र है। वलतअलमुन्ना नबाहू बादहीन, तुमको इसका पता बाद में चलेगा कि मैंने क्यों अजर मांगा था, इसलिए कि बहकाने वाली ताकत मुसलसल बहकाती जाएगी, और जहां जहां मेरा अजर अदा करने वाले मेरे हक को पहचानेंगे, मेरे हक को पहचानेंगे, वहां अगवाए शैतानी काम न कर सके। तो हबीब, ये एक नुस्खा है, ये एक नुस्खा है, याद रखो, बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। अब इसके लिए अपने आप को आमादा करो, अपनी नस्ल को आमादा करो, अपने बच्चों को आमादा करो, अपनी औलाद को आमादा करो। कयामत तक तुमको जाना है, कयामत तक तुमको जाना है। बहरहाल सूरह शूरा की पहले इन आयतों को खत्म कर लें। तो उन्होंने अजर को मांगा, इन्होंने कहा तकर्रुब अजर है, फिरौन ने कहा कि तुम्हारे लिए तो तकर्रुब है, तुम मेरी नजदीकी में आ जाओ। अब उसके बाद मूसा ने आवाज दी कि अलकाओ, फेंको तुम, मत तुलकून, जो कुछ के तुम फेंकना चाहते हो, अपनी आसाओं को फेंको, रस्सियों को फेंको, जितने तिलिस्म तुम्हारे पास हैं फेंको। तो जादूगर जमा हुए, उन्होंने पाल कौ हिबाल हूं वह इसी जो, उन्होंने अपनी रस्सियों को फेंका, अपनी असाओं को फेंका। तो अलकौ हिबाल हम हबल की जमा, इसी यहूम असा की जमा, अपने रस्सियों को फेंका, अपनी असाओं को फेंका। वह आलू बे इज्जत फिरौन, इन्ना नहनु الغالبون, उनका फिरौन की इज्जत की कसम, गलबा हमारा है, शैतान यहां तक बिगाड़ चुका था। लेकिन मेरी फिक्र को देखिए, शैतान यहां तक बिगाड़ चुका था, वहां से जब चला है तो क्या कहा था, बेइज्जत का शैतान ने तो इज्जत रब की कसम खाई, मगर जब अगवा की मंजिल पर आया तो इतना खुदा बना डाले, इतने खुदा बना डाले कि बादशाह वक्त की इज्जत की कसम जादूगर खाए। जब इज्जत फिरौन, इन्नौ लनहनु الغالبون, गलबा अब हमारा है। सिलसिले कलाम आप समझ रहे हैं ना, जो अर्ज करते जा रहा हूं ताकि जहन में रहे। बेइज्जत फिरौन, इन्नौ लनहनु الغالبون, फिरौन की इज्जत की कसम, गलबा हमारा है। फअल्का मूसा असा, मूसा ने अपने असा, और उसके बाद यह हुआ
फहिया तलकफू मा यफकू, वो जो जो हरकतें करते जा रहे थे उनके हिबाल इसी जैसी जैसी सूरतें अख्तियार करते जा रहे थे वो सबको बला करता जा रहा था, बे लाम आइन निगलता जा रहा था, बला करता जा रहा तलकफू वो उसको खा रहा था। जादूगरों ने देखा, जादूगरों ने देखा, अब तजरबा जाती हुआ। देखिए बड़ी अजीब मंजिल है, तजरबा जाती हुआ, वारदात नफसी थे, अब कोई और को पहचानवाने की जरूरत नहीं। ये इनका ऐसा और वो मूसा का अजदहा, ये इनके हिबाल इनकी रस्सियां, ये सब गायब। तो जादूगरों ने देखा कि ये तलकफू मौज यो फेकून जैसी, जादूगर सजदे में गिर पड़े, जादूगर सजदे में गिर पड़े। वो आलू आमन्ना बे रब्बिल आलमीन रब मूसा वो हारू जादूगरों ने कहा वारदात नफसी के साथ तजरबे जाती के साथ उस यकीन कामिल के साथ कि आंखों ने देखा दिल ने माना कि जहां हमारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उल्किया सहरा तू साजिदीन जादूगर सजदे में गिर पड़े। قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر اور ہاں اگر نہیں پہچانتے ہو کہ عالمین کا رب کون سا ہے تو نسبتیں دیتے ہیں ان بندوں کی جو مقرب ترین بارگاہ ہے کہ موسا کا رب ہارون کا رب میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل پر مجھے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں مگر ایک جملہ شاید کبھی کہا جا چکا ہے مگر ذہن میں رکھیے اس واسطے اگر خدا کو پہچانوانے کے لیے اشخاص کی اضافت دی جائے کہ ان کا رب تو دنیا اس کو شرک نہ سمجھے گفتگو ہو چکی آمنا برب العالمین رب موسا و ہارون کا رب موسا و ہارون کے رب پہ ایمان لاؤ بے اختیار فرعون نے جل کے کہا آمن تم بہی قبل ان آذن لکم میں نے اذن نہیں دیا اور تم ایمان لائے ابھی تو عزت کی قسم کھا رہے تھے اب مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتے آپ نے دیکھا یہ میں ملوکیت کو یہ داغ ہے کہ میری اجازت کے بغیر لوگ ایمان لاتے ہیں مگر ملوکیت کیا جانے کہ جب حرم آگے بڑھتا ہے تو اس کے وہ واردات ذاتی ہیں وہ تجربات نفسی ہیں وہ آزاد ہے فکر آزاد لے کے جا رہا ہے تو تم ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تم کو ایمان دوں اچھا ہم سمجھ گئے ہوا کبیرکم یعلمکم السحر وہ بڑا تمہارا ہے موسیٰ تمہارا غیر نہیں ہے موسیٰ ہی کہ تم سب شاگرد ہو تم نے جادو اسی سے سیکھا ہے یعلمکم السحر وہی تم کو سکھاتا ہے جادو اس لیے آج بھرے دربار میں تم نے راہ کو بدل دیا اچھا فسوف تعلمون اب تم کو پتا چلتا ہے میں کیا کروں گا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا سیدھا ہاتھ بایاں پاؤں بایاں ہاتھ سیدھا پاؤں وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ تم سب کو داخل رکھو
अभी अभी आए हैं जादूगर। और फिर सौदा भी तय कर लिया था कि अगर हम गालिब हो गए तो हमारा क्या अंजाम होगा। उनको यकीन था कि हम तकर्रुब की मंजिल पर। لِبَنَّكُمْ اجمعین، تم سب کو دار پلٹ کرو، ابھی ابھی آئے ہیں جادوگر، ابھی ابھی آئے ہیں جادوگر، آمنا کہہ کے کہ اعلان سزا۔ بڑی اہم منزل ہے، ابھی آئے ہیں جادوگر، اب تک کفر میں زندگی گزری، فرعون کو خدا مانتے رہے، عزت فرعون کی قسم کھائی، شیطان نے یہاں تک بہکایا کہ خود تو عزت رب العالمین کی قسم کھاتا ہے، مگر جس کو بہکاتا ہے اس کو افراد کی عزت کے حوالے کر دیتا ہے۔ عزت فرعون کی قسم جادوگروں نے کھائی اور کہا کہ ہم غالب ہیں، اور پھر سودا بھی طے کر لیا تھا کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ ان کو یقین تھا کہ ہم تقرب کی منزل پر آئیں گے، ہم وزرا ہوں گے، ہم رؤسا ہوں گے، ہم آیان ہوں گے، ہم اراکین مملکت ہوں گے۔ ایسے میں عصائے موسیٰ نے فطرتوں کو بدل دیا، فطرتوں کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، اور بے اختیار انہوں نے کہا اچھا تم بغیر ہمارے اذن کے ایمان لائے ہو، اچھا لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، تم سب کو سولی پر چڑھاؤں۔ دیکھیے ابھی ایمان لائے اور اعلان سزا۔ قالو، اب جادوگروں نے جواب دیا لا زہر، ہم کو فکر نہیں ہے، اب آپ نے دیکھا جن کی زندگی کفر میں کٹی تھی وہ سزا کا اعلان سن کے تو لا زہر کہیں کہ ہم کو فکر نہیں، اور جو گودی میں پرورش پانے ان کو دنیا ڈرا سکتی ہے؟ اور سنیے، اس نے کہا اب سزا دوں گا، تو فوراً جادوگروں نے کہا لا زہر، ہم کو پرواہ نہیں، ہم کو ڈرا نہیں، انا الی ربنا منقلبون، انا الی ربنا منقلبون، اب ہم منقلب ہو گئے اپنے رب کی طرف، ہمارا رخ حیات بدل گیا، ہمارا رخ حیات جو فرعون کی طرف تھا وہ بدل گیا، اب کیا ڈراتا ہے؟ لا زائر، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے، ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے۔ تو اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں جادوگر فرعون کے دربار کے ایمان لائے اور کہا کہ ہم کو ڈرا نہیں، ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا وہ نتمہ اور ہماری خواہش ہی ہے، اَن یغفر لنا ربنا خطایانا، اب ہماری خواہش اتنی ہے کہ ہماری اس ادا کو دیکھ کر ہمارا خالق ہماری گزشتہ زندگی کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ لا زہر کفارہ بنا، میں کتنی تفصیل سے آیا ہوں، لا زہر کفارہ بنا، ان کی پوری گزشتہ گناہ کی زندگی کا کفارہ۔ ہم کو پرواہ نہیں، سزا دے دے،
सजा दे दे वक़्त नतमा अयक्तिर लना रब्बुना खताना, हमारी फकत इतनी तमन्ना है कि हमारा रब हमारी खताओं को बख्श दे, हमारी खताओं को बख्श दे। तो ऐसी मंजिल पर रोज अव्वल न मलाइका की नजर गई न शैतान की नजर गई कि आदम से उन्होंने ये तो देखा कि सबके दिमाग है फसाद फिलहाल है, मगर इन्होंने नस्लों में जाके आदम की नहीं देखा कि कहां कहां गुनाह नेकी से बदलेंगे। इन्होंने ये नहीं देखा कि नस्लों में दर्जात क्या आएंगे और कहां कहां गुनाह नेकी से बदल जाएंगे और फिर उसका सिला क्या होगा। इन्होंने ये नहीं देखा, बस हो गई गुफ्तगू। अब जवाब क्या एक मतलब पूछा कि ऐ मोहम्मद हल तालम, तुमको इल्म है कि क्या झगड़ा था मलाए आला में? फरमाते हैं मकाम कमाल बंदगी ये था कि मैं यही कहूं कि तू आलम है। तो जवाब आया कि हां, झगड़ा ये था कि फिर दरजाती वल कफारात, दर्जे में झगड़ा था, कफारात में झगड़ा था, हमारी नेमात में झगड़ा था। वो एक ही दर्जे को देख रहे थे कि मिट्टी से बना है। सबे मेराज ये गुफ्तगू थी कि दर्जे में झगड़ा था, कफारात में झगड़ा था। इनका ख्याल ये था कि गलती पे गलती करेगा और हम ये जान रहे थे कि कहां अपनी जिंदगी में करवटें लेगा। यह समझ रहे थे कि फकत मिट्टी से बना है और हम ये जान रहे थे कि परेशानी में क्या है। मलाइका की और शैतान की आब और गिल की तरकीब पर थी। हम उस आब और गिल में उस नूरानियत को देख रहे थे कि जहां आब और गिल नूरानियत की मंजिल पर जब इर्तका के कमाल पर पहुंचेगी तो दना फतद अल्लाह फकाना आबा कौसैन औ अदना, वो मकाम कुर्ब इसको मिलने वाला है कि मकाम कमाल बंदगी, मकाम कमाल बंदगी इसी बशर को अता होने वाला है। मलाइका समझ न सके मलाए आला में झगड़ा ये था हबीब, दर्जात के सिलसिले में था, कफारात के सिलसिले में था कि गलतियां करेंगे तो गलतियां माफ भी होंगी या नहीं। हबीब जाओ मेराज से वापस, अजर मांगो ताकि अजर देने वालों की गुनाह ऐसे हटे कि हुब्बो अली जन या कुलो सुनो। इनकी मोहब्बत गुनाहों को खा जाएगी। वो कफारे को समझ नहीं रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि इसी तरह आगे बढ़ेगा। नहीं, इसमें वो इंसान भी होंगे जिनकी इंसानियत पर हम नाश करेंगे, इनमें वो बंदे भी होंगे जिनकी बंदगी पर माबूद को इफ्तिखार होगा, इनमें ऐसे सजदा करने वाले भी होंगे कि जिनके सजदों पर हमको इतना नाज होगा कि सर वो सजदे से उठाएंगे नहीं, हम सर उठा लेंगे। अजर मांगो। इनको क्या मालूम है मलाए आला में झगड़ा यही था कि दर्जात हैं कि नहीं,
दर्जात हैं कि नहीं? अरे दर्जात आदम से ता मोहम्मद लाखों करोड़ों, फिर हसनात, हसनात ऐसे कि उसकी गुफ्तगु खुदा जानता है कि अजर देने वाले ही जानते हैं। खुदा बंदे अली आला ने कहा कि तीन बातों का झगड़ा, फिर याद रखिए, हमेशा याद, फिर दर्जाती वल हसनाती वल कफारात। दर्जे में झगड़ा होगा, नेकी कैसे मिलेगी इसमें झगड़ा होगा, गुनाह कैसे धुलेंगे इसमें झगड़ा है। तो अब दर्जे के मुतालिक तो बहस नहीं करता, सिर्फ हसना की हद तक गुफ्तगू करूं कि नेकी क्या है, नेकी क्या है। अजर की आयतें आप सुन रहे हैं, आखिरी आयत सूरह शूरा की सुनिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अलमवद्दत फिल कुर्बा। आयत खत्म नहीं हुई, अब इसके बाद आयत ये, मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, जो इस तरह से नेकी कमाए हम और नेकियां भर देंगे। सूरह शूरा पूरी आयत ये है, वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, तो इस तरह से हसना हासिल करे, नेकी हासिल करे। और फिर हसनात, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती हैं, नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती हैं। तो क्या कबर थी मलाइका को कि आज सजदा तो कर रहे हैं हुक्म के साथ, मगर कल इसी की औलाद में वो भी आएंगे, या सहर और शाम सजदे होंगे, और फिर इंसानों के नहीं इन्हीं को हुक्म सजदा होगा। मेरी गुफ्तगु खात्मे पे पहुंच रही है, फसजुदु सजदा करो, इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ालू लहू साजिदीन। जब मैं तैयार कर लूं बशर को सजदा करना, सजदा करना या हुक्म, मगर एक मंजिल इर्तकाए आदम आलम में वो भी आएगी कि जहां मलाइका रह रह कर इजाजत लेंगे, मालिक हम जाएं तवाफ को, मालिक हम जाएं तवाफ को, मालिक हम जाएं घर की निगरानी को, मालिक हम जाएं गहवारा जुम्बानी को। मालिक हमको इजाजत है, आखिरी जुमले, हमको इजाजत है मालिक तेरी कनीज खास की जबान। ये जुमला निकला है कि बच्चों दर्जी आ रहा है, बच्चों दर्जी आ रहा है, तुम ईद के कपड़ों के लिए बेचैन हो ना, दर्जी आ रहा है, दर्जी आ रहा है, इजाजत है मालिक जाए दर्जी बन के। और एक मतलब किसी ने कुल बात किया और सैयदा ने पूछा, मन हुआ बिल बाप, दरवाजे पे कौन का? दर्जी, बच्चों के कपड़े लेके आया। अब ये नहीं पूछा कि मैंने कौन से कपड़े सिलने के लिए दिए थे, अब कल में सैयदा को इल्म है। दर्जी ने कपड़े दिए दर्जी ने, और बच्चों को बुला के मोहब्बत से वो कपड़े पहनाए। तो ऐसा मालूम होता था कि कयात अदल ने इस तरह से नापा था हदों को, और कपड़े इस तरह से मुकम्मल जिस्म के काबिल बन के आए थे कि बच्चों ने देखा और कहा, मां नैना को दिखलाए, नैना को दिखलाए। कहा, बेटो जाओ। बच्चे दौड़ के मस्जिद में आए तो नैना ने देखते ही पहचाना, मकामे तकर्रुब पर हैं, फरिश्तों के मिजाज से वाकिफ हैं। क्या कपड़े आ गए? कहा, नैना कपड़े आ गए, दर्जी कपड़े लेकर आया। का और क्या कहेंगे? का नाना, अरब के बच्चों ऊंटों पर सवार। लाही व
سیدی و مولایا و ربی خداوندا ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بھر لا، خداوندا مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے اموات کو بوجھ دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، تعجیل فرما.